स्वागत बंधन। आज हम आरओ भाग दो कक्षा 12वीं विषय हिंदी के अंतर्गत जो पाठ पुस्तक में जो पाठ दिया हुआ है उसको पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए, जैसे कि अभी हम मैंने आपको इस पाठ के जो काव्यांश थे उनके अनुवादों को समझाया था, आज हम वो रुबाई और जो गजल पाठ है उसी पाठ के प्रश्न उत्तरों को पढ़ेंगे और समझेंगे। प्रश्न है, शायर प्राप्ति के लक्ष्य को बिजली की चमक की तरह कहकर क्या भाव व्यंजित करना चाहता है। शायर फिलहाल गोरखपुरी अपनी गजल में राखी के लक्ष्य को बिजली की चमक की तरह कहकर भाव व्यंजित करना चाहता है कि रक्षाबंधन का पावन पर्व मास मनाया जाता है। इस मास में आकाश में बादल छाए रहते हैं और जोरदार बारिश होती है। बारिश के दौरान बादलों के बीच में जिस प्रकार बिजली चमकती है उसी प्रकार बहने अपने भाइयों की कलाई पर चमकते भावों की चमकते भाव वाली राखियां बांधकर उसके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। भाई भी आजीवन अपनी बहनों की रक्षा का व्रत लेते हैं। इस प्रकार रक्षाबंधन भाई बहन की मधुर प्रेम का अनूठा बंधन है। शायर कहना चाहता है कि सावन का जो संबंध जिस प्रकार बादलों से है, बादलों का चमकती बिजली से है, वही संबंध भाई का बहन के साथ होता बिजली की तरह चमकते राखी के रेशमी धागे यानी लच्छे उसी पवित्र संबंध का प्रतीक है। खोलने से क्या आशा है? खुद का पर्दा खोलने से तभी का आशा है कि स्वयं की कमजोरियां, गलतियां, बुराइयां को सबके सामने प्रकट करना। कभी कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति सदैव दूसरों की निंदा करने में लगा रहता है, उसकी गलतियां, दोषों का छिद्रण वेषण करता है, वह जाने अनजाने संसार के सामने अपनी स्वयं की कमजोरियां उजागर करता है। दूसरों की बुराई करते करते व्यक्ति कब अपने व्यवहार के राज खोल देता है इसका उसे स्वयं पता नहीं चलता। तो व्यक्ति को सदैव दूसरों की निंदा करने से बचना चाहिए। वास्तव में जब हम दूसरों की निंदा करने में व्यस्त होते हैं तो हमारे भीतर ईर्ष्या, द्वेष, जलन, कुढ़न जैसे दूषित भाव कब प्रवेश कर जाते हैं इसका हमें पता भी नहीं चलता। आंगन में कौन खड़ी है, वह क्या लिए हुए है? आंगन में माँ खड़ी है, वह अपनी गोद में चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाले अपने नन्हे बच्चे को लिए हुए। माँ दर्पण में किसे देखती है, उससे क्या कहती है? अबोध बालक आंगन में खड़ा होकर चांद के लिए हटकर रहा है। वह चंद्रमा को कोई खिलौने समझकर उसे पाना चाहता है। बालक की इस मासूम हट पर माँ मुस्कुरा देती है और मुंह देखने वाला एक दर्पण बालक को देती है। दर्पण में बालक को चांद की छवि दिखाकर माँ उससे कहती है, देखो चांद नीचे उतर आया। उदाहरण से सिद्ध कीजिए कि फिराक की गुरुवाइयों में हिंदी का घरेलू रूप दिखाई देता। फिराक गोरखपुरी उर्दू के एक नामचीन शायर हैं। उन्होंने साहित्य में काव्य रचना करने के बाद भी उनकी रचनाओं में हिंदी के प्रति भी उनका अनुराग स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। संकलित रुबाइयों की पंक्तियों को पढ़कर इस तथ्य का सहज भान होता है। इन रुबाइयों में उन्होंने हिंदी भाषा के लोकप्रिय प्रचलित रूप का बड़ा ही सुंदर, स्वाभाविक एवं सटीक प्रयोग किया। उनकी इन रुबाइयों का आनंद कोई उर्दू ना जानने वाला व्यक्ति भी सरलता से कर सकता है। इन रुबाइयों में फिराक में चांद का टुकड़ा, लोका देना, कंघी करना, कपड़े पहनना, घर में कुत्ते सजे, रूपवती मुखड़े, खुनक रहा, चांद पे ललचाया, छाई है घटा जैसे हिंदी के घर घर में प्रचलित शब्दों में वाक्यांशों का सुंदर प्रयोग किया। इससे सिद्ध होता है कि फिराक गोरखपुरी के अंदर उर्दू फारसी के साथ साथ हिंदी में साहित्य सृजन की भी अद्भुत योग्यता थी। कभी चुपके चुपके क्यों रो लेता है, कभी अपनी प्रेसी की विरह वेदना में व्यथित होकर आंसू छलकाता है। यद्यपि वह अपनी प्रेसी के सम्मान की अत्यधिक चिंता करता है, इसलिए अपने दर्द को सबके सामने खुले रूप में प्रदर्शित करने की बजाय वह अकेले में सबसे छिपकर चुपके चुपके रो लेता है। फिराक गोरखपुरी की गजल में मुख्य रूप से कौन सा रस प्रस्तुत हुआ है? फिराक एक बड़े मशहूर शायर थे, बड़े साहित्यकार और गजल लेखक थे। उनकी संकलित गजल के कई शेरों में वियोग सिंगार रस प्रस्फुटित हुआ है। वे अपनी प्रेसी के वियोग में आंसू बहाते हैं। प्रेम की अधिकता उनसे बिछोए की पीड़ा के कारण उन्हें रात का सन्नाटा भी बोलता एवं बातें करता सा प्रतीत होता है। अपनी प्रेसी के वियोग में वे दुनिया से छिप छुपा कर अकेले में चुपके चुपके रोते हैं। वे अपने शेरों में उतर आए शायरी के जादू के लिए भी विरह वेदना से उत्पन्न आंसुओं को निश्रय देते हैं। इस प्रकार मैंने आपको
जो गजल और रुबाई वाले पार्ट के जो प्रश्नोत्तर, गजल वाले पार्ट के और रुबाई वाले पार्ट के जो प्रश्नोत्तर थे वो मैंने आप लोगों को पढ़ाए समझाए। परीक्षा के लिए इनको आप अच्छे से तैयार करें।